क्लास नेक्स्ट आपका जो साइंस का चैप्टर है उसमें हम टॉपिक कर रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो प्लांट है वो सिर्फ बीजों के थ्रू ही नहीं उगते बल्कि स्टेम्प रूट या फिर लीज के थ्रू भी वो प्लांट आगे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, न्यू प्लांट्स वहाँ से ग्रो कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम्प, आपने मतलब इफ़ यू प्लांट द स्टैम्प ऑफ द रोज़ का फ्लावर, ठीक है, आप कहीं से उसकी स्टैम्प ले आते हो, स्टैम्प मतलब जो उसका तना ले आते हो, और वो सिमिलरली एक न्यू प्लांट में थोड़े टाइम के बाद चेंज हो जाता है, मतलब वहाँ पे रोसेस का एक प्लांट बनना वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर आप पोटैटो देखो, ठीक है, तो पोटैटो में क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये वाली बर्ड्स, और इसको आइस भी बोलते हो, यहाँ से वो न्यू जो पोटैटो वो बन जाता है। ठीक है, तो वो जो पोटैटो होता है वो अंडरग्राउंड मतलब धरती के नीचे ही होता है। जैसे यहाँ पे ये आप पोटैटो को बीज दोगे ना, तो ऐसे वहाँ पे एक न्यू प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा। रिप्रोडक्शन थ्रू रूट, जड़ों के थ्रू भी वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे आप अभी शुगर केन ले लो, ठीक है, गन्ने का ले लो, उसकी एक पोरी होती है ना, तो ठीक है वो स्टेम्स में एग्जांपल आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो रूट्स मतलब जड़ें के थ्रू, कैरेट होगी, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, बीट रूट हो गया, इनको आप न्यू प्लांट में कैसे मतलब चेंज कर सकते हो, कैसे न्यू प्लांट। अगर आप ग्रास जो घास है, ठीक है, उसकी जड़ें ले लो और एक जगह पर उसे बो दो, ठीक है, तो वो थोड़े टाइम बाद वहाँ से वो जो ग्रास है वो उसके न्यू क्या होने स्टार्ट हो जाएगा, ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एलोवेरा ले लो, एलोवेरा की जड़ों को बो दो, ठीक है, तो वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। रिप्रोडक्शन थ्रू द लीव्स, आपको पता है कि पत्तों के थ्रू भी नया प्लांट को उगा सकते हो आप। ठीक है, लीव्स ऑफ अ प्लांट सच एज बैरियोफेलम, एक प्लांट है जिसका नेम बैरियोफेलम है, वो न्यू प्लांट में कैसे ग्रो कर सकता है, पत्तों के थ्रू। ठीक है, जैसे उसका एक पत्ता होता है और उसके ऊपर ये छोटे छोटे पत्ते हैं ना, अगर ये छोटे छोटे पत्ते हैं जो यहाँ पर गिर जाएंगे, वहाँ पर एक न्यू प्लांट आपका बन जाएगा, ग्रो करेगा। जो इसके लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो थिक होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं और फ्लैशी होते हैं। ठीक है, मैनी बर्ड्स ये इनको आप क्या बोलते हो, बर्ड्स बोलते हैं, उनके ऊपर ग्रो करती हैं। ठीक है, और वो यहाँ पे भी आप उसको मॉइस्ट सॉइल में, नमी वाली सॉइल में फेंक देते हो तो न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। देर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द अबव डिस्कस्ड मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ना सीड से ग्रो करते हैं, ना स्टेम से ग्रो करते हैं, ना रूट से ग्रो करते हैं, और ना ही वो लीव से ग्रो करते हैं। तो वो जो प्लांट होते हैं उनमें एक स्पेशल यूनिट होती है रिप्रोडक्शन की, जिसे आप क्या बोलते हो, स्पोर्स बोलते हो। जैसे फर्न्स एंड मॉसेस होते हैं ना, वो तो वो स्पोर्स के थ्रू ग्रो करते हैं। ऐसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे रेड रेड वाली है ना, वो इसकी क्या है, स्पोर्स है। ठीक है, तो वो इस स्पोर्स से क्या होएगा, एक नया प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा।